हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल कुक टाइम। मैं हूँ हिना सैयद और आज हम बनाने वाले हैं बिना मावा से एकदम परफेक्ट वाली मावा कुल्फी। तो आप देख रहे हो, जितनी देखने में बढ़िया दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा टेस्ट में आउटस्टैंडिंग है ये। अगर आप इसे एक बार ट्राई करोगे तो फिर आप बाजार से बिल्कुल भी मावा कुल्फी खाने वाले नहीं हो। तो आइए हमारे किचन में, हम बनाते हैं मावा कुल्फी। मैंने यहाँ पे सिर्फ 300 ग्राम जितना दूध लिया है, आप देख सकते हो, और इसे हम अच्छे से उबालने देंगे। तो आप देख सकते हो इसमें एकदम अच्छे से उबाल आ चुका है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा डर रहता है कि अगर हमने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड किए तो दूध फट जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा पिंच हम खाने का सोडा, मीठा सोडा ऐड करने वाले हैं, ताकि जो हमारा दूध है वो फट ना जाए। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं केसर ट्रेड्स। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा केसर ऐड कर दिया है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हो, वरना ऑप्शनल है। थोड़ा सा इलायची पाउडर, और इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करने वाले ड्राई फ्रूट्स। अगर आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो सारे ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बादाम, काजू और पिस्ते का इस्तेमाल किया है, और अब हम इसे अच्छे से उबलने देंगे। देख सकते हो ये जो दूध है वो अच्छे से उबल रहा है। इसी स्टेज पर मैं यहाँ पे वेनिला एसेंस ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे 4 से 5 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, और वो है ब्रेड। तो मैंने ब्रेड की स्लाइड्स को एकदम फ्रेशली मिक्सर जार में क्रश कर लिया है, और उसका ऐसा दरदरा सा पाउडर बना लिया है। और ये ताजी वाली ब्रेड है, ये जो ब्रेड क्रम्स है मैंने अभी रेडी किया है, ना कि सूखा वाला है, इस बात का खास ध्यान रखें। जो ब्रेड स्लाइड्स है उसे मैंने मिक्सर जार में ऐड कर उसका पाउडर बना लिया है दरदरा सा। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं चीनी। मैंने यहाँ पे 1/2 कप जितनी चीनी ऐड की है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे भी उबलने देंगे। आप देख सकते हो ये जो मिक्सर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। और अब हम इसमें और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है कॉर्नफ्लोर की स्लरी। आप देख सकते हो कॉर्नफ्लोर पर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर उसकी एक स्लरी बनाई थी, और थोड़ी सी 1 टीस्पून जितनी ही मैंने ऐड की है, ताकि ये जो मिक्सर है वो एकदम गाढ़ा हो जाए। अब हम इसे 2 से 3 बार उबलने देंगे। इसे लगातार चलाते रहिए ताकि ये है वो तले से चिपक ना जाए। आप देख सकते हो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल गाढ़ी दिख रही है हमें। अब हम इसी स्टेज पर जो फ्लेम है इसे ऑफ कर देंगे। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और इसे अब हम बिल्कुल ठंडा होने तक साइड कर देंगे। आप देख सकते हो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है, ये एकदम ठंडा है रूम टेम्परेचर पर। अब आप देख सकते हो मैंने कुल्फी मोल्ड लिया है, और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। अब हम इसमें जो हमारा मिक्सर है उसे पोर कर लेंगे। इसे हम ओवरनाइट फ्रीज में रखें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कम से कम इसे 5 से 6 घंटे तो आपको फ्रीज में रखना ही होगा, ताकि जो हमारी कुल्फी है वो एकदम परफेक्ट बन जाए। अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है तो आप ग्लास में भी फॉइल पेपर लगाकर, स्टिक लगाकर रख सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें सारा मिक्सर है वो पोर कर लिया है, और अच्छे से मोल्ड
उस पर ढक के बंद कर दिए हैं। अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे। तो मैं ओवरनाइट इसे रख कर अभी बाहर निकाला हुआ है। आप देख सकते हो कुल्फी की लेंथ ज़्यादा बड़ी है, इसलिए हम इसे एक पानी वाले बाउल में रखने वाले हैं ताकि हम इसे इजीली निकाल पाए। तो आप देख सकते हो हमारी कुल्फी है वो एकदम परफेक्ट जम चुकी है और पानी की वजह से इजीली हम इसे निकाल भी सकते हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल मार्केट जैसी मावा कुल्फी दिख रही है, बिल्कुल दानेदार और एकदम मावे से भरपूर लग रही है। लेकिन आप जानते हो कि मैंने इसमें कोई भी मावा ऐड नहीं किया है। अगर आप इसी तरीके से कुल्फी बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनने वाली है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट कर भी ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।